नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोशन पर। तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, छात्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भेज दी गई है। आज भी मैंने आपको सुबह की वीडियो भी बताया था, आपको प्रूफ दिखाऊंगा किस कैटेगरी का भेजा गया। तो बहुत सारा मतलब अभी फंड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज कर दिया गया, मैक्सिमम छात्रों की छात्रवृत्ति भेज दी गई है। तो अभी भी बहुत सारे छात्र हैं जिनका पैसा नहीं भेजा गया, तो उनसे जुड़े काफ़ी ज़्यादा सवाल है। देखो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ आप लोग देख लीजिए। पहला सवाल जो सबसे कॉमन है कि जिनका आज भी नहीं आया उनका क्या होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप में से जिनका आज की डेट में भी पैसा नहीं आया, तो उनका डाउट है कि उनका क्या होगा। दूसरा चीज कि पैसा कम आ रहा है, काफी लोग का ऐसा है कि उनका फंड जो है कम आ रहा है, उनका आना चाहिए था 30,000 तो उनका आया 6,000, ऐसे सवाल कि उनका क्या होगा, ये बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं आप लोग। तीसरा जो सवाल नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, पैसा कैसे देखना, ये बड़ा डाउट है, आप लोग काफ़ी लोग गलतियां कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको कैसे देखना है। काफ़ी लोगों का फंड ऑलरेडी आ चुका है फिर भी आप गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो वो भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इतनी अच्छी अपडेट्स आपको मैं देता हूं, तो आपका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता ही है, मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। और वीडियो को लाइक करिए जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो चलिए चलते हैं, पहले प्रूफ से शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में छात्रवृत्ति देखो आई है, मैं यहाँ स्टार्टिंग में वीडियो के कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। आज की डेट में जो छात्रवृत्ति आई है ओबीसी की सबसे ज़्यादा आई है छात्रवृत्ति, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मात्रा में ओबीसी की छात्रवृत्ति आई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर माइनॉरिटी की छात्रवृत्ति आई है, इन्हीं दो कैटेगरी की छात्रवृत्ति आज की डेट में आई है। जनरल की छात्रवृत्ति नहीं भेजी गई है, एससी एसटी की छात्रवृत्ति नहीं भेजी गई है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अब तक भेजी नहीं गई है, जनरल और बाकी लोगों की पिछले दिनों में भेजी गई है। तो आज देखिए मैं प्रूफ दिखाता हूँ लाइन से, देखिए इंस्टाग्राम के मैं टेक्स्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र ओबीसी कैटेगरी के, इनका 32,120 रुपया क्रेडिट हुआ 30 मार्च की डेट में, ये देख लीजिए आप लोग। दूसरा आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इनका भी स्कॉलरशिप आ गया है, ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, डिप्लोमा जो है फर्स्ट ईयर के ऋषि, इनका भी छात्रवृत्ति आज की डेट में आप लोग यहां से देख सकते हो कि 11,610 रुपये जो है क्रेडिट कर दिया गया है आज की डेट में, ये भी आप लोग देख सकते हो। मार्च 30 ऊपर आप डेट भी देख सकते हो चैट की। सो ये भी इनका आ गया, डिप्लोमा के छात्र हैं। अगला आप लोग देख लीजिए इसी तरह से, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी क्या होगा, अभी आप देखोगे ना इसी वीडियो के कमेंट में काफ़ी ऐसे ज्ञानी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं आ रहा छात्रवृत्ति, फेक है या कुछ है, तो इसलिए इतने डिटेल में प्रूफ दिखाना पड़ा, जबकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि पैसा भेजा जा रहा है। एक और देख लीजिए यहाँ पर, ये हैं एमएड कैटेगरी के छात्र हैं जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4,275 रुपये आज की डेट में क्रेडिट हुआ है 30 तारीख को, आप लोग यहाँ देख सकते हो 4,275 रुपये 30 मार्च की डेट में कैनरा बैंक में आ गया है। अब बैंक से एक और आ गया कि डाउट लोगों के मन में बड़े अजीब अजीब तरह के आप लोग के डाउट हैं। एक तो डाउट इस तरह का है कि सिर्फ अभी इस बैंक का भेजा जा रहा है, पर्टिकुलर एक्स बैंक का भेजा गया, इस बैंक का नहीं भेजा गया है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा इस बैंक से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक का पहले भेजा गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का पहले भेजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो वाला डाउट तो आप बिल्कुल खत्म रखिए, उससे कोई हल नहीं, ये भी ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं। अगला देख लीजिए इसी तरह से, देखिए इनका भी स्कॉलरशिप आ गई, इनका भी देख लीजिए आईटीआई फिल्टर है, ओबीसी कैटेगरी के हैं, सेकेंड ईयर के छात्र हैं, आईटीआई सेकेंड ईयर, इनका पिछले वर्ष में जो है परसेंटेज था वो 84% था, काफ़ी लोग पूछ रहे थे परसेंटेज भी, तो इनकी भी छात्रवृत्ति आ गई है। अगला इसी तरह से देख लीजिए, ये भी हैं आईटीआई सेकेंड ईयर 84%, 8,760 रुपये इनका भी आया हुआ है 30 मार्च को, यहाँ पर ये भी देख सकते हो। उसी तरह से अगला देख लीजिए, ये अभी मैं ओबीसी का दिखा रहा हूँ, अभी आपको माइनॉरिटी का भी देखने को मिलेगा। उसके बाद वो सवाल जो मैंने आपको दिखाया उनके भी जवाब आपको दूंगा, मैं लाइन से बताऊंगा क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। बीएड सेकेंड ईयर 36,360 रुपये, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं ओबीसी कैटेगरी के, इनका देख लीजिए अमाउंट 36,360 रुपये क्रेडिट हुआ 30 मार्च को 12:37 पर, ये भी आप लोग देख लीजिए। अगला देख लीजिए, अब डाउट होगा आप लोग के, काफ़ी लोगों का जो है कि माइनॉरिटी का पैसा नहीं आ रहा, काफ़ी लोगों का ऐसा डाउट है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। देखो ये माइनॉरिटी कैटेगरी के छात्र हैं बीपीएड के, इनका देख लीजिए बीपीएड के सेकेंड ईयर के छात्र हैं, इनका जो है कि डाउट है कि 30,000 अमाउंट है माइनॉरिटी कैटेगरी, पहले आप लोग देख लीजिए कि छात्रवृत्ति आया है 6,347 रुपये इनका, देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने भेजा भी है 12:38 पर। तो देखो अब ये स्क्रीनशॉट के साथ नीचे एक सवाल है जो बहुत लोगों का होगा, वो यहीं पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि बाकी का अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा, ये बड़ा सवाल है। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, हालांकि बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है जो सेकेंड किस्त होती है वो सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी की आती है, उसके अलावा किसी के नहीं आती। एससी एसटी किस लिए आती है, क्योंकि उनका बाकी का पैसा जो भी आया हुआ है उसके अलावा जो पैसा है वो केंद्र सरकार देती है, उसका राज्य सरकार से लेना देना नहीं है। और इन दोनों कैटेगरी के अलावा जितनी कैटेगरी हुई, जैसे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, माइनॉरिटी हो गया, उनका पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, उत्तर प्रदेश सरकार देती है, तो वो एक बार में ही जितना फंड दे देते हैं उतना दे देते हैं, तो सेकेंड किस्त का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बस एक उम्मीद आप रख सकते हो, अगर देना हुआ इनको, मान लो कोई गलती हुई होगी या कुछ भी हुआ होगा, तो कल 31 तारीख की रात 12 बजे तक आपको पैसा दे दिया जाएगा, अगर कुछ अमाउंट देना होगा, नहीं तो जितना आपको भेज दिया गया वो अमाउंट उतना ही रहने वाला, उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
अब देखिए यहाँ पर आईटीआई के माइनॉरिटी कैटेगरी छात्र हैं, इनका भी पैसा आप लोग देख लीजिए 12,300 रुपये 30 मार्च को क्रेडिट हुआ है। ये आईटीआई सेकेंड ईयर माइनॉरिटी कैटेगरी के छात्र हैं, इनका देख लिया आपने। ये भी देख लीजिए बीसीए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं माइनॉरिटी कैटेगरी के, इनका भी अमाउंट 18,075 रुपये 30 मार्च को क्रेडिट हुआ है। ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी माइनॉरिटी के ही छात्र हैं। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत लोगों के डाउट है कि पैसा नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, अगर पैसा आपका नहीं आ रहा है इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि किसी का नहीं आ रहा है। आप ये जो वीडियो जो लोग कमेंट करते हैं उनसे मेरा एक ही चीज़ है कि आप कमेंट करने से पहले कमेंट्स नीचे के पढ़ लिया करो, वहाँ पर आपको दिख जाएंगे लोगों के कमेंट्स जहाँ आप लोग बता रहे होते हो खुद ही कि सर मेरा इतना पैसा आ गया इस कैटेगरी का आया। तो वो जो जिनको अभी भी डाउट है वो लोग उन कमेंट्स को पहले पढ़ लें। तो ये तो हो गया ये सारी चीज़ें, अब ये प्रूफ हो गया माइनॉरिटी का, मैंने दिखा दिया और आपको दिखाता हूँ एक दो। देखो इनका भी देख लीजिए जो है कि ये है मेरे हिसाब से माइनॉरिटी कैटेगरी छात्र, इनका भी बीटेक फर्स्ट ईयर का 4:15 पर 59,700 रुपये इनका क्रेडिट हुआ है, इनका भी आ गया है। माइनॉरिटी से आते हैं नीचे भी एक लोग देख लीजिए, मैं माइनॉरिटी से आता हूँ, आज मेरा दोपहर में 2 बजे 23,600 रुपये आ गया है। सो देखो माइनॉरिटी का भी पैसा भेजा गया है और क्या बोलते हैं ओबीसी का भेजा गया, लेकिन उसके अलावा किसी कैटेगरी के नहीं भेजा गया है। देखो एक मैं दिखा दे रहा हूँ जनरल का, एकाक दुख का केस मुझे दिख रहा है, बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, जनरल का पैसा इनका 34,220 रुपये आज की डेट में आया है, लेकिन जनरली जनरल का पैसा आज नहीं भेजा गया। तो मैक्सिमम जो अमाउंट आप देख रहे हो वो सारा पैसा भेजा गया ओबीसी का, और जो है कि ये मैं आज की बात कर रहा हूँ ओबीसी और माइनॉरिटी का। पूरा डेट मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 25 तारीख को भेजा गया था माइनॉरिटी का पैसा, 26-27 को किसी का नहीं, 28 तारीख को भेजा गया था जो है कि पैसा आपका जनरल कैटेगरी का, 29 तारीख को जो है कि एससी का सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और आज 30 तारीख को ओबीसी का और माइनॉरिटी कैटेगरी का भेजा गया है। तो ये तो हो गया कि किस तारीख को किस जो है कैटेगरी का पैसा भेजा गया, ये चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग मन में डाउट ना रह जाए कि जनरल का नहीं आया नहीं आया, क्योंकि ये डेट्स आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं डेट्स में ऐसे ऐसे पैसा भेजा गया है। अब इन सवालों को ले लेते हैं जो आपके मन में डाउट हैं, बहुत बड़े बड़े डाउट हैं, इनको क्लियर करते हैं। उससे पहले आपको देखो एक वेबसाइट का स्टेटस जो है कि मुझे कुछ कमेंट्स में दिख गए थे, उनको कैसे देखना वो देख लीजिए। सरकारी जॉब फाइंड यहाँ पर आपके सामने जो पहले नंबर की वेबसाइट आएगी, आप बस आपको इसको ओपन कर लेना। यहाँ पर देखिए आपको सारे स्टेटस, एडमिट कार्ड जो नए होते हैं, जॉब वैकेंसी वो तो दिखेंगे ही, यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस देखना हो गया, पीएफएमएस पे आपको देखना हो गया पैसा का क्या आपका सीन है, अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है क्या दिखा रहा है, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो जिनको भी कोई दिक्कतें आ रही हो जैसा मैंने तरीका बताया इस तरह से आप लोग ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। देखिए अब सवालों को ले लेते हैं लाइन से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनका आज नहीं है उनका क्या, पहला सवाल। जिनका आज नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, कल 31 तारीख है, कल लास्ट डेट है अभी पूरी, मतलब जो जिनका जिनका नहीं आया है कल सारी कैटेगरीज का पैसा भेजेंगे, क्योंकि अब हो गया लास्ट डेट है कल, तो पूरा चांस है आज भी रात 9 से 10 बजे तक पैसा भेजा जाएगा, तो आज भी देख लेना। लेकिन कल जो है जो बच गए हैं, जैसे जनरल के जिनका नहीं आया, माइनॉरिटी से बहुत लोगों का नहीं आया होगा, ओबीसी से भी नहीं आया होगा, एससी एसटी का भी नहीं आया होगा, तो जो बच गए हैं उनका कल की डेट में भेजा जाएगा। और एक दूसरा सवाल कि फंड क्या खत्म हो गया, तो वो चीज़ तब तक नहीं बोल सकते जबकि आपके स्टेटस में ऐसे लिख के आएगा कि आपको पैसा नहीं दिया जा सकता अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड के कारण, मतलब पैसा नहीं होने के कारण आपकी छात्रवृत्ति रोक दी गई है, नहीं दी जा सकती। जब तक ये स्टेटस में ना आ जाए तब तक आपको ये नहीं मानना कि बजट खत्म हो गया है, तो पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि जिनका पैसा कम आया उनकी दूसरी किस्त मैंने पहले समझा दी थी, सिर्फ एससी एसटी की दूसरी किस्त आएगी। तीसरा, पैसा कैसे देखना है, ये बड़ा सवाल है। देखो देखना कैसे, यहाँ डाउट क्या हो रहा है बेसिकली, आप लोग को मैंने समझाया भी था कि आपका जिस खाते में आधार सीडिंग हुआ है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे अभी, मैं आपको चैट तो अभी वाली नहीं दिखा पा रहा हूँ लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, जहाँ पे आप लोग चेक कर रहे हो किसी और अकाउंट का, आपने फॉर्म में भरा कोई और अकाउंट, आप उसमें पैसा देख रहे हो उसमें आया ही नहीं है। पैसा आएगा जिसमें एनपीसीआई मैपिंग हुई है, आप उसको एसएमएस भी नहीं देखना है, आपको सीधा बैंक स्टेटमेंट चेक करना है क्या हो रहा है, मैसेज भी नहीं आ रहा बैंक से। बहुत लोगों का ऐसा हुआ कि बैंक का मैसेज नहीं आया, पर उन्होंने जब बैंक स्टेटमेंट चेक की, बैलेंस इंक्वायरी की, तो उनका पैसा ऑलरेडी आया हुआ है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि आपका जिस खाते में आधार सीडिंग हुआ होगा उसका स्टेटमेंट निकाल के आपको चेक करना आपका पैसा आया है या नहीं आया है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई जो आपको क्लियर हो गई होंगी, आपको पैनिक नहीं करना है, थोड़ा सा वो तो लगेगा लेकिन कल लास्ट डेट है, मैक्सिमम मात्रा में जो है कि पैसा भेज दिया जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि पूरे छात्रों को कभी इतिहास में हुआ नहीं है कि पैसा भेज दिया जाए। 70 लाख फॉर्म भरे गए हैं, गवर्नमेंट के पास बजट था 50 लाख का, अब देखो उसमें भी 10-15 लाख तो ऐसे लोग रह जाओगे जिसमें से जिनका पैसा नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे जितने वीडियोस देखने वाले हैं वो कोई भी ऐसा ना रहे जिनको फंड ना मिले, सभी को पैसा मिल जाए, बस यही मेरी कामना है। सो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर जाना। सो थैंक यू फॉर